गुस्सा कर रही है अपने बच्चों के साथ खड़ी हुई, निश्चित रूप से इसको लेके जाने सफल रूप से लेके जाएंगे मेरा भांजा मेरी मदद करते हुए, और निश्चित रूप से बहादुर बच्चा है ये भी। फार्म के लिए रास्ता पकड़ेगी धीरे से, चल चल। और फार्म के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं, वरा फार्म, और ये रही मादा और उनके उसके बच्चे। निश्चित रूप से ही लेके जाएंगे इस तरीके का घेरा बनाते हुए ताकि दूसरी ओर ना मुड़े, और इस तरीके से ये बस वो फार्म दिख रहा है दोस्तों। अब फार्म तक हम इसको लेके जाएंगे, करीब 1 किलोमीटर का सफर रहा है। और वो मेरी दादी खड़ी हुई बुला रही है सुअर को, नदिया से भाई एक घा भाई आना तुम तो उल्टा पुल्टा कर दे। चल फर्स्ट टाइम डिलीवरी किया है इस मादा ने दोस्तों, और 6 बच्चे इसने दिए हैं। 3 दिनों के बाद ये मिली है, खेतों के बीच खलिहान में डिलीवरी किया था इसने, फार्म से भाग गई थी, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के 3रे दिन मिली है, और अब हम इसको लेके जाएंगे। फार्म के करीब पहुंच गए हैं, अब फार्म में जाएगी, निश्चित रूप से जाएगी मेरी दादी वहां खड़े होकर बुलाते हुए। निश्चित ही कोशिश रहेगी मेरी, एक इस तरीके से जो है आप ज़्यादा उसको परेशान ना करें, तो हो सकता है खेतों के बीच भी डिलीवरी हुई हो तो बच्चों को लेकर वो फार्म तक ऐसे आ जाए। और देखना फार्म में, ये फार्म के पास आ गई है और फार्म में लेके जाएगी अपने बच्चों को बिना कुछ किए दोस्तों। आसानी और सरलता से आप अपने फार्म तक अपने मादा को ला सकते हैं। और ये देखिए सकुशल मैं मादा और उसके बच्चों को फार्म तक ले आया हूँ। निश्चित ही देख सकते हैं फार्म तक लेके आए हैं, और खाद दे, खाद खाद दे,
बासी बासा ओ नहीं है के घर ले ले आई तो कैसे हो गया जला ए, मेरी दादी और वो साहिल ये बच्चा नैतिक और इस तरीके से देख सकते हैं बीच खेतों में डिलीवरी किया था जिसको सकुशल हम लोगों ने फार्म तक लाया है। ये मेरा फार्म बना लिया हूँ, इसको ढलाई कर दिया हूँ हर कमरे को। ये बाहर का जो हाँ इसको ढलाई करना बाकी है। और इस तरीके से फार्म में एक और मादा है जिसने डिलीवरी किया था खेतों के बीच, इसको भी हम लोगों ने लाया था। 6 बच्चे इसने भी दिए हैं, सभी बच्चे हेल्दी हैं और देख सकते हैं वो 6 बच्चे उसने भी दिए हैं जिसको अभी लाया है हम लोगों ने। तो निश्चित ही एक बड़ी चुनौती थी हम लोगों के लिए और फार्म में पहुंच गए हैं और ये जो तैयार है मेरे लिए ये हैं, ये आराम करते हुए फार्म में सुबह। काफी अच्छी देख सकते हैं ये फार्म में सभी सुअर आराम करते हुए। और ये वो मादा है जिसे पहले डिलीवरी किया था और इसको भी हम लोगों ने खेत से ही लाया था, इसने भी 6 बच्चे दिए थे फर्स्ट टाइम में। और ये अभी हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से लाया है, इसको अभी कुछ खाने को देंगे क्योंकि वो खेतों के बीच में थी, पता नहीं ठीक से खा रही थी या नहीं खा पी रही थी। इसलिए दोस्तों ये देख सकते हैं 6 बच्चे हैं इसके और ये कुछ राहत महसूस कर रही है और सिक्योर भी महसूस कर रही है, सुरक्षित अपने जगह पे पहुंच के अपने फार्म में पहुंच के। निश्चित ही ये बच्चे हेल्दी हैं, 3 दिन हो गया था इनको डिलीवरी हुए, इसको खाने के लिए देंगे अभी।